लंका निशाचरों की नगरी है। हनुमान जी की खोज है राम। लंका में भी हनुमान जी कहीं किसी भवन में ठहरे नहीं। मंदिर मंदिर प्रीति कर सोदा देखे जो। हनुमान जी अनेक भवन जाते, अनेक घर जाते। कथा कहती है कि रावण के भवन में भी हनुमान जी गए। रावण के भवन में जब हनुमान जी गए तो गयउ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई। महाराज यहाँ पर बहुत से महापुरुष अपना अपना तर्क देते इस चौपाई पर कि हनुमान जी ने रावण के भवन में वो विचित्रता क्या देखी। एक संत कहते हैं हनुमान जी जब रावण के भवन में गए तो विचित्रता देखी कि काल भी पाटी से बंधा है। और एक कथा कहती है कि हनुमान जी ने रावण के भवन में वो विचित्रता देखी कि वहां पर शनि उल्टा लटका, पर हनुमान जी को देख करके वो मुस्कुरा गया। हनुमान जी ने इशारों में पूछा, माई डियर मुस्कुरा क्यों रहे? तो उसने कहा, अगर आप हमें सीधा कर दोगे ना तो हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से स्वाहा करवा देंगे। हनुमान जी ने ये विचित्रता देखी कि मूल जड़ तो ये शनि जो उल्टा लटकाए है ना रावण, यहाँ है, इसको अगर सीधा कर देवे तो ये आगी का लगा दशानन मर जाएगा जल्दी। ये भी विचित्रता देखी। तीसरी कथा सुनिएगा, एक महापुरुष और तीसरी बात कहते हैं हनुमान जी ने क्या विचित्रता देखी। तो कहते हैं अति विचित्र कही जाते सोना। अपना राग लगाओ। हनुमान जी महाराज ने एक और विचित्रता देखी। क्या महाराज जी? हनुमान जी रावण की, एक संत की बात है, किंवदंती नहीं है पर संत की बात सिद्ध होती है। एक संत कहते हैं कि हनुमान जी ने रावण की जूठी थाली देखी और उसमें दही को देखा। रावण ने उस रात्रि में दही आधा पाया और आधा दही झूठा दे झूठा छोड़ दिया। तो हनुमान जी ने विचार कर लिया कि अब इसके प्राण नजदीक, जीवन के दिन पूर्ण होने वाले। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को पता है और शास्त्र कहते हैं कि अपनी थाली में कभी भी दही को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए पहले के गांव की परंपरा में आपने देखा होगा, हमारे हमने माता जी को देखा है, माता जी कभी दही खाती हैं या पाती हैं तो हमारे माता पिताजी उसमें जल डाल करके उंगली से घोल करके पीते हैं, क्योंकि जो थाली में जूठा दही छोड़ता है उसकी आयु छीण होती है। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे साहब, हमारे पूर्वजों ने जो भी नियम निकाला उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा लॉजिक जरूर रहा। तो हनुमान जी ने देखा रावण ने अपनी थाली में दही को आधा जूठा छोड़ दिया। तब हनुमान जी समझ गए रावण का मरना तय है। हनुमान जी की खोज रावण नहीं है, हनुमान जी की खोज है जानकी। जानकी है भक्ति, संत भक्ति ही खोजता है, संत वैभव नहीं खोजता, साधु वैभव नहीं देखता, साधु समृद्धता भी नहीं देखता, साधु स्वच्छता भी नहीं देखता, साधु स्वस्थता भी नहीं देखता, साधु सुंदरता भी नहीं देखता, साधु सहजता भी नहीं देखता, साधु तो केवल भक्ति को देखता है। हनुमान जी का संकल्प है भक्ति, जानकी जी है भक्ति। लेकिन भक्ति प्राप्त करने के बाद होते हैं भगवान प्राप्त। हनुमान जी रावण के भवन से आगे बढ़े तो रामायुध अंकित रहे सोभा बरनिया जा नव तुलसिया वृंद कहे देगे हर्ष कपीरा। हनुमान जी लंका में और आगे बढ़ते हैं तो एक भवन दिखाई पड़ता। भैया कौन सा भवन? रामायुध अंकित रहे सोभा बरनिया जा। राम के आयुध बने,
धनुष बना, बाण बना, चक्र सुदर्शन बना और रामानंदी संप्रदाय का स्वस्ति तिलक बना। हनुमान जी ने कहा लंका निशिचर निकर निवास, लंका निशिचर निकर निवास, यहाँ कहाँ सचन कर वास, यहाँ कहाँ सचन कर वास, लंका निशिचर निकर निवास, लंका निशिचर निकर निवास, यहाँ कहाँ सचन सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ 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 सज्जन करवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, हनुमान जी लंका पहुंचते तो एक भवन दिखाई पड़ा। साधु सुनो, याद आया तो जो संस्कार पर घर बैठे टीवी चैनल पर सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा, पहले के जमाने में हमारे अपने घर के बाहर एक ना एक आयुध का चिन्ह जरूर होता था। पहले लिख देते थे श्री सीताराम, श्री गणेश साय नमः, लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। थोड़ा सा मॉडर्न जमाना आया तो सीताराम भी गया, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय करें भी गया। थोड़ा सा और मॉडर्न जमाना आया तो किसी ने चौपाई लिख दी, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी, ये लिख दिया। लेकिन आगे को लगो, अब सीताराम भी गो, श्री गणेश साय नमः भी गो, शुभ लाभ भी गो, चौपाई भी गई, अब तो लिख देते हैं कुत्तों से सावधान। हाँ, समझ में नहीं आऊ तक एक स्पेशल कुत्ता है कि सभी। हाँ, कभी कभी लगने लगता है कि सभी कुत्ता है का भैया। अच्छा, कुत्ता भी एक प्रकार का थोड़ी होता है। अरे राम राम राम, पालतू भी फालतू भी। हाँ अच्छा, कुत्तों में भी अंतर होता है, एक होता पालतू एक होता फालतू। जो पालतू कुत्ता होता है ना उसके गले में पट्टा होता है, जो फालतू होता है वो बिना पट्टे का होता है। हाँ, और मैं निवेदन करूं आप भी राम जी के पालतू बनो तो गले में पट्टा क्या है, गले में राम नाम की तुलसी की माला ही राम जी के पालतू होने का प्रमाण पत्र है। और जो फालतू होते हैं तो ना तो उनके मस्तक पर तिलक होता न गले में माला होती। मैं सनातनीय हिंदुओं से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, तुम राम जी के पालतू बनो, मस्तक पर तिलक और गले में माला, और अपने घर के बाहर सीताराम जय बागेश्वर धाम सनातन धर्म की जय, अथवा त्रिशूल अथवा कोई ध्वज लगा करके रहो ताकि सब समझ जाए कि किसी सनातनी हिंदू का भवन है। आजकल आगे को लगो बीआईपी उसे माना जाता जिसके दरवाजे पर कुत्ता बंधा हो। हम सुने हैं महाराज जी, हम सुने हैं शहरों में ब्याह करने के पहले बिटिया बाद में देखत, पहले जो देखत कि कुत्ता कौन से देश का है, विदेशी है हो कि भारतीय है। हाँ, और कुत्ता भी बड़े विचित्र विचित्र लगे, हल्के हल्के नाटे नाटे भूरे भूरे। हाँ, बड़के बड़के जा कुत्ता कि हाथी जैसा बच्चा लगे दूर से। एक जगह हम घरे गए, एक आदमी के घरे गए, उन्हें स्वागत करो स्वागत करो, से दरवाजे पर कुत्ता ठाड़े रहा है। हम भाई साहब ये हटाओ, बोलो महाराज ये मारता नहीं है, दरअसल ये काटता भी नहीं है और ये सीधा साधा है। अरे हम की बाहर में गाओ, हमारे प्राण निकल गए।
हाँ चार पांच कुत्ता, एक इतना बड़ा, एक हल्को सा सफेद सफेद। हम कह भैया भाई साहब है ना एक तरफ करो। अरे बोले गुरु जी चिंता ना करो, वो नहीं काटेंगे। अरे उनका तुम तो कह रहे लेकिन हम आओ जीतो माने, हमें भीतर लग रहा हो कि अगर इन्हें पकड़ लो पाओ तब बिना काटे नहीं ये छोड़ने, हमें तो देसती में चलो जाने। हम भीतर गए जैसे ही बैठे, हम वहां भाड़ मंगाओ जीव व जीवों पर दया। इसका मतलब ये नहीं कि जीवों पर दया ना करें, जीवों पर दया होनी चाहिए। सो बिस्कुट हती सो हल्को सो जो सफेद सफेद हमें ऊ लगो के जो ठीक है, जो काठ है तैयारी के लगे हैं पकड़ के फेंक दे। हमने उसकी तरफ लो लो खा खा बिस्कुट खा। इतने में जजमान आओ बोले गुरु जी मो ई तरफ नो ही मो तो ऊ तरफ पाए। अब तो यहाँ से यहाँ से कुत्ता चलन लगे के पता ही नहीं चला कि इको मो कौन तरफ है। आओ 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 भैया हम पाछे ही करे थे ले ले मो करे थे दूसरी तरफ उल्टो करो तो हम वही तो कहिए कि जो बेरा है का कुत्ता बिस्कुट नहीं खा रहा अंदरा तो नहीं पप रहा था। हम पूछवे ही बाहर जाते हम कहे का भैया मन ही हम कहे का अंदरा तो नहीं है आगे करो हम बिस्कुट दे रहे जो खा नहीं रहा और वह खड़ो तो उल्टो मो करे तो माँ। अब अपन देहाती आदमी हमने तो सीधे कुत्ता देखे गांव के तो भर कर दो लो कछूलो ना हो सो प्राण खा ले दस मिनट नहीं जाता है आजकल कुत्तन की। लेकिन ये चर्चा हंसी की, घर पर कुत्ता हो ना हो पर गाय होनी चाहिए।